सरकारी जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर केशव स्वामी पुराने, काफी पुराने, लेकिन आज नए अंदाज में दिखे। आज बहुत सख्त तेवर दिखाई दिए, जिसपे उनके माता सहमे सहमे से नजर आए। महिला ओपीडी से लेके और जनरल ओपीडी तक उन्होंने सख्त निरीक्षण करा, लगभग 2.5 घंटे करा, और करने के बाद हर एक बिंदु पर गए, हर एक वार्ड में गए और बहुत सख्त तेवर दिखाई दिए। आप देख रहे हैं कि इस समय ओपीडी में, उसके बाद महिला ओपीडी में आए। आने के बाद में उन्होंने पूरी बारीकी से निरीक्षण करा। निरीक्षण करने के बाद में सख्त हिदायत दी कि गंदगी किसी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि उनके इस नजरिए को देख के डॉक्टर और सारा विभाग फक्का रह गया। उनकी समझ में नहीं आ रहा था पुराने सीएमएस के नए अंदाज इस तरह के। बीती रात काशीराम कॉलोनी वालों ने जिला अस्पताल के पास जाम लगा दी। लाइट न आने से काफी आक्रोशित हो गए, जिससे सारे काशीराम कॉलोनी वासी निकल आए और उन रोड पर जाम लगा दिया। हालांकि पुलिस को घंटों मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन वहां की नेता का कहना है कॉलोनी में पावर हाउस में जो इस समय वर्कर हैं वो बिल्कुल बहुत लापरवाही से काम कर रहे हैं। 8-8 घंटे लाइट गायब कर देते हैं, जबकि यहाँ लिखित में लाइट कटौती नहीं है। उसके बावजूद 8-8 10-10 घंटे लाइट काट के बाहर सप्लाई करते हैं। जेई यहाँ का जो है वो एसी रूम लेके कहीं बाहर रहता है। यहाँ आपने इस बारे में डीएम से शिकायत करी? कई बार मतलब बत्ती पानी और सफाई को लेकर कई बार ज्ञापन दिया है। हमारे जो ऑफिसर ने भी दिए, हम लोगों ने भी दिए, लेकिन कोई यहाँ की कोई सुनवाई। मामला थाना कांड का अभिषेक को खाता खुलाना महंगा पड़ गया। अभिषेक जा रहा था पेपर लेकर ऑनलाइन खाता खुलाने के लिए स्टेट बैंक में। इसी बीच जबौर पास जबरदस्त दुर्घटना हो गई, जिसमें अभिषेक का सीधा पैर पूरी तरीके से जख्मी हो गया। हालांकि मौके पर लोगों ने तत्काल जिला अस्पताल लेकर आए। लाने के बाद में जब डॉक्टरों ने देखा तो सीधा पैर कई जगह से टूटा हुआ था और बुरी तरीके से जख्मी था। हालांकि मौके पर तत्कालीन उपचार चालू हो गया, लेकिन पैर की कंडीशन देखकर डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर लिए और बाहर ले जाने की सलाह दे दी। आप हमारी खबर को यूं भी देख सकते हैं www.worldmediatimes.com। लॉगिन करो खबर देखो। कृपया हमारे चैनल